Hello, hello! Welcome to Idea Presents Daily Dose, your break from all the nonsense they show on TV these days, only on Cooldose.com. And up, it's time to take fashion advice from the most fashionable person in Bollywood. You've guessed it right, it's none other than Nana Patekar. Now let's see what he's ranting about, I mean, saying today, on Nana Fadega. Check it out. नहीं नहीं मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। आ गए मेरी माउथ का तमाशा देखते हैं। अच्छा ठीक है मेरी माउथ का नहीं लेकिन तमाशा तो देखने आ गए। अभी नाना कुत्तों बकबक करेगा, एक कान से सुनने का फिर दूसरी कान से निकाल देने का, घर पे जाके खाना खाके सो जाने का। कीड़े की जिंदगी जी रहे हो सबके सब, कीड़े की जिंदगी। ना कोई फैशन का सेंस है ना कोई स्टाइल का सेंस है, लेकिन अब मैं आ गया हूँ वो सब बदल देने के लिए। मैं नाना पाटेकर तुम्हारे फैशन सेंस को पूरी तरह बदल दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं टैटूज के बारे में। टैटू मतलब चमड़ी पर सुई और शाही से बनाया हुआ चित्र। इसमें खून निकलता है, पसीना निकलता है, ढेर सारा दर्द होता है और शरीर पर एक परमानेंट घाव हो जाता है। लेकिन कैसे टाइप का टैटू बनना है? अरे मैं किस लिए हूँ यहाँ पर? नाना की पहली शिक्षा, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का टैटू नहीं बनवाने का। अभी आप पूछोगे कि क्यों, क्यों नहीं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का टैटू बनवाए? अबे दीपिका पादुकोण को, उसने रणबीर का इतना बड़ा टैटू अपने गले पर बनाया और फिर रणबीर ने उसे वैसे ही डंप कर दिया जैसे बदलते वक्त ने मनीषा कोराला को डंप कर दिया था। साहब ने भी अपने हाथ पर करीना का टैटू बनवाया और टैटू बनवाने के ठीक बाद करीना उतनी ही पतली हो गई जितना लव स्टोरी 2050 रिलीज होने के बाद बावजूद फैली। नाना की दूसरी शिक्षा, मीनिंगफुल टैटू। अबे अगर टैटू बनवाने का ही है तो किसी ऐसी चीज का बनवाओ जो आपके बारे में कुछ बताती हो। जैसे मैंने मेरे हाथ पर किरण खेर और एक मच्छर का टैटू बनवाया है, क्योंकि मच्छर तो पता नहीं लेकिन एक किरण खेर जरूर आदमी को बना देती है। नाना की तीसरी शिक्षा, सुई को जांच लो। टैटू बनवाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप सुई को इंस्पेक्ट करें। सिर्फ अच्छी सुई से टैटू बनवाओ। मैं हमेशा पहले सुई से टैटू वाले की एक आंख फोड़ देता हूँ और फिर उसी खून भरी सुई से टैटू बनवाता हूँ। इससे एटलीस्ट इतना तो साबित होता है कि सुई शेयर्ड और असरदार है, बिल्कुल सैफ अली खान की नाक की तरह। मुझे भी नहीं पता इसका मतलब क्या था। तो ये तीन चीजें करोगे तो बन जाओगे कूल डूड विद कूल टैटू, वरना जिंदगी भर बने रहोगे गली का टट्टू। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा कुछ बकवास फैशन टिप देने, तब तक के लिए आज का सेशन अच्छा था।